राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का दौर जारी है। इससे पहले कई बार बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल चुकी है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अधिक सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के नजदीक होने की वजह से सीएम अशोक गहलोत प्रशासनिक अमले में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, जिस वजह से राजस्थान में हर स्तर पर तबादले हो रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने गुरुवार देर रात एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि गहलोत सरकार ने 7 सीनियर आईएएस के तबादले कर दिए हैं, साथ ही 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से तबादला सूची जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएएस महेंद्र सोनी को अतिरिक्त महानिदेशक, एससीएम रीपा जयपुर, आईएएस कुमारपाल गौतम को आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, आईएएस ओम प्रकाश कसेरा को आयुक्त आबकारी विभाग उदयपुर, आईएएस टीकम चंद बोहरा को जिला कलेक्टर शाहपुरा, आईएएस बाबूलाल गोयल को नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आईएएस हनुमान मल ढाका को प्रबंध निदेशक राजफेड जयपुर, आईएएस डॉक्टर मंजू को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर में लगाया गया है। वहीं प्रदेश के 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है, जिसमें आईएएस सुधीर कुमार शर्मा को आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य का अतिरिक्त कार्यभार, आईएएस कुमारपाल गौतम को कार्यकारी निदेशक रूट सिको का अतिरिक्त कार्यभार, आईएएस ताराचंद मीणा को एमडी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये सभी अधिकारी अपने मूल विभाग के साथ साथ अतिरिक्त दिए गए विभागों का भी कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।